सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से मैं एमएस धोनी की आउटलाइन को ड्रॉ किया था, और आज की इस वीडियो में इस ड्रॉइंग के ऊपर कलरिंग करने वाला हूं। तो कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर डॉम्स की ऑयल पेस्टल यूज कर रहा हूं, जो कि 25 सेट्स की है। तो चलो अभी ड्रॉइंग को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ड्रॉइंग को करने के लिए डार्क टू लाइट वैल्यूज तक जाने वाला हूं। सो डार्क वैल्यूज जो भी आप लोग रेफरेंस फोटो में ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उस टाइप की एरियाज में पहले ब्राउन कलर से शेडिंग करना है। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, आईज की आसपास के एरियाज में, आईब्रोज में आप लोगों को ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके ब्राउन कलर से शेडिंग करना है। और इस टाइप की एरियाज में जहां पर मीडियम वैल्यूज से, वहां पर आप लोगों को ब्राउन कलर को यूज करके हल्के हाथ से शेडिंग करना है। और उसके अलावा बाकी जो भी हाइलाइटेड पार्ट्स आप लोग देख पा रहे हो, उस टाइप के एरियाज को छोड़ के ही आप लोगों को शेडिंग करना है। तो मैं अभी वही रूल्स को फॉलो करके ब्राउन कलर से शेडिंग कर रहा हूं। तो अभी आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट अभी आईज में शेडिंग करने के लिए नॉर्मल जो भी हम लोग ऑयल पेस्टल को यूज करते हैं, उस ऑयल पेस्टल की टिप बहुत ही मोटा होता है। सो उससे आप लोग मेनली आईज में अच्छी तरीके से शेडिंग नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमेशा इस टाइप की एरियाज में ऑयल पेस्टल को शार्प करके यूज करना चाहिए। बाकी किस तरीके से ऑयल पेस्टल को शार्प करना है, उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वो देख लेना। ओके, चलो अभी मैं किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ वो आप लोग अभी ध्यान से देखो। ओके, नेक्स्ट अभी जो भी हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के मैं शेडिंग किया था, उस टाइप की एरियाज में अभी फ्लेस्टिन कलर को यूज करके हल्के हाथ से शेडिंग करूंगा। और बाकी जो भी एरियाज है, इवन जो भी एरियाज में मैं ब्राउन कलर को यूज करके शेडिंग किया था, उसके ऊपर भी मैं अभी मीडियम प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करने वाला हूँ। ऑनली आप लोगों को आईज के अंदर, आईब्रोज में और लिप्स को छोड़ के बाकी फुल एरियाज में शेडिंग करना है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हाइलाइटेड जो भी एरियाज है उसमें आप लोगों को लो प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है, और बाकी जो भी फुल एरियाज से उसमें आप लोगों को मीडियम प्रेशर अप्लाई करके सेटिंग करना है। ओके, नेक्स्ट अभी बियर्ड्स में और आईब्रोज में जहां पर भी मुझे थोड़ा और डार्क वैल्यूज चाहिए, उस टाइप की एरियाज में डीप ब्राउन कलर से सेटिंग कर रहा हूं। ओके, लास्ट में अभी जो भी हाइलाइटेड एरियाज है उसमें, और जो भी मीडियम वैल्यूज है उसमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके अच्छी तरीके से व्हाइट कलर से शेडिंग कर लेना है। और जो भी एरियाज में डार्क वैल्यूज ज्यादा है उसमें हल्के हाथ से, यानी लो प्रेशर में आप लोगों को शेडिंग करना है। और अभी लिप्स में, लिप्स के चारों कॉर्नर्स में ब्राउन और रेड कलर से पहले शेडिंग कर रहा हूँ। और जो भी मिडिल एरियाज है उसमें पहले पिंक कलर को यूज करके शेडिंग करना है, एंड देन उसके ऊपर व्हाइट कलर से शेडिंग करना है। ओके, नेक्स्ट अभी आप लोग रिफरेंस फोटो में देखो, थोड़ा येलो सा इफेक्ट है फेस के ऊपर। तो उसके लिए मैं डीप येलो कलर से शेडिंग कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पहले ब्राउन कलर से शेडिंग किया था। लाइक जहाँ पर ज्यादा डार्क एरियाज है वहाँ पर मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग किया था, और नॉर्मल एरियाज में हल्के हाथ से शेडिंग किया था। सेम अभी उसी तरीके से ही डीप येलो कलर से शेडिंग करना है। और लास्ट में अभी आप लोग देख सकते हो, व्हाइट कलर को यूज करके जो भी हाइलाइटेड एरिया है उसको मैं अच्छी तरीके से फिर से एक बार दे रहा हूँ। ओके गाइस, फेस के ऊपर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कलर से शेडिंग कंप्लीट हो गई है। और अभी इसको ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करने के लिए मैं हमेशा की तरह कॉटन बट का यूज कर रहा हूँ। और इसको यूज करने से पहले इसके ऊपर व्हाइट कलर से पहले घिस लेना, देन ब्लेंड करना। उससे क्या होगा, कलर फेड नहीं होगी और ब्लेंड भी स्मूथली हो जाएगी। और पहले आप लोग को लाइट वैल्यूज में और मीडियम वैल्यूज में ब्लेंड करना है, और लास्ट में डार्क वैल्यूज में आप लोग को ब्लेंड करना है।
ओके ब्लेंड भी कंप्लीट हो गई है और अभी फिर से मुझे एक बार लग रहा है कि थोड़ा और येलो सा इफेक्ट चाहिए फेस के ऊपर। तो पहले मैं जिस तरीके से डीप येलो कलर से शेडिंग किया था सेम अभी उसी तरीके से ही फिर से एक बार शेडिंग कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट अभी डार्क वैल्यूज को अच्छी तरीके से डिटेलिंग वे में करने के लिए ब्राउन कलर को अच्छी तरीके से शार्प कर लिया हूँ। देन मैं रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर भी मुझे डार्क वैल्यूज चाहिए उस टाइप की एरियाज में मैं सेटिंग कर रहा हूँ। बाय द वे ये मैं पुराना ऑयल पेस्टल यूज कर रहा हूँ जो कि बहुत ही छोटा हो गया है इसलिए शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट अभी इसको फुल फेस के ऊपर लो प्रेशर में फिंगर की मदद से ब्लेंड कर देना है। और अभी थर्ड लेयर में डिटेलिंग और डार्क वैल्यूज को डीपली देने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों के पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो। बाकी मैं अभी किस तरीके से डिटेलिंग कर रहा हूँ वो आप लोग अभी ध्यान से देखो। और लास्ट में भी इसके ऊपर हाइलाइट्स को देने के लिए मैं कैची का यूज़ कर रहा हूँ। तो डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर भी मुझे हाइलाइट्स को देना है तो उस टाइप की एरियाज में मैं कैची से स्क्रैच करके मैं हाइलाइट्स को दे रहा हूँ। ओके फेस कंप्लीट हो गई है और अभी हेयर्स के लिए फिर से एक बार ब्राउन कलर को यूज़ करके मैं हेयर की डायरेक्शन में शेडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा डार्क है तो वहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके आप लोगों को शेडिंग करना है और जहाँ पर थोड़ा बहुत हाइलाइट्स गिर रहा है तो वहाँ पर आप लोगों को हल्के हाथ से शेडिंग करना है। नेक्स्ट अभी जो भी एरियाज में हल्के हाथ से शेडिंग किया था उसमें अभी डीप येलो कलर से भरना है। ओके अभी इसको हेयर की डायरेक्शन में ही कॉटन बट को यूज़ करके ब्लेंड कर लेना है और यहाँ पर आप लोग फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट अभी इसके ऊपर डार्क वैल्यूज को देने के लिए मैं ब्लैक कलर से हेयर की डायरेक्शन में ही शेडिंग कर रहा हूँ और पहले जिस तरीके से मैं ब्राउन कलर से शेडिंग किया था सेम अभी वही चीज रिपीट करने ब्लैक कलर से। ओके अभी इसको भी हल्के हाथ से ब्लेंड कर देना है अभी। नेक्स्ट जहाँ पर भी थोड़ा और डार्क वैल्यूज चाहिए तो उस टाइप की एरियाज में आप लोग फिर से एक बार ब्लैक कलर से शेडिंग कर सकते हो। और अभी हाइलाइट्स को देने के लिए मैं व्हाइट कलर से शेडिंग कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा अच्छी तरीके से हाइलाइट्स को देने के लिए और एक एक हेयर्स को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए मैं कैची से स्क्रैच करने वाला हूँ। तो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप लोग देखो ध्यान से अभी। ओके हेयर्स कंप्लीट हो गई है और अभी साथ में पहले डार्क वैल्यूज को देने के लिए मैं ब्राउन कलर से पहले शेडिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट अभी जहाँ पर भी मीडियम डार्क वैल्यूज है वहाँ पर मैं डीप येलो कलर से शेडिंग कर रहा हूँ।
लाइट एरियाज को छोड़ के। और लास्ट में अभी लाइट और लास्ट में अभी लाइट येलो कलर से फुल शर्ट में कलर को भर रहा हूं। और जहां पर भी हाइलाइट्स चाहिए तो वहां पर मैं व्हाइट कलर से शेडिंग कर लूंगा। और अभी इसको फिंगर की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है और डिटेलिंग और डार्क वेल्यूज के लिए चारकोल पेंसिल से शेडिंग करना है। और लास्ट में अभी बैकग्राउंड के लिए कुछ बोलने को है नहीं, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, खुद की वे में आप लोग कर सकते हो। बाकी मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप लोगों को भी सेम अगर उसी तरीके से ही करना है तो मैं कहाँ पर कौन से कलर का यूज कर रहा हूँ वो आप लोग अच्छी तरीके से नोटिस करो और किस तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ वो भी आप लोग अच्छी तरीके से नोटिस करो। तो बस शेडिंग कंप्लीट हो गई है और अभी बस उसी तरीके से ही कॉटन बट की मदद से ब्लेंड कर देना है जिस तरीके से मैं पहले शेडिंग किया था। ओके गाइस, ऑलमोस्ट ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी इसको थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए सब्जेक्ट की एजेस में मैं हाइलाइट्स कर रहा हूँ एट्रेलिक कलर को यूज करके। वैसे आप लोग पोस्टर कलर को भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो बस गाइस फाइनली ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लेना। सो मिलते हैं जल्दी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।